अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आसिफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो गुजरात की फेमस डिश है, खमन ढोकला, जिसको नायलोन खमन ढोकला बोलते हैं वो। उससे पहले आपको है ना, जो अभी रेडीमेड आटा भी मिलता है, तो ये रेडीमेड आटा मैंने तैयार किया है, तो वो भी कैसे बनाने का है वो बताती हूँ। ये आप बना मतलब तैयार करके रखो ना, तो अचानक कौन भी मेहमान आए या फिर आपके भाई बहन या बच्चों को खाने का हो, तो जस्ट उसमें पानी ऐड करने का, तेल और सोडा ऐड करने का है और फटाफट बन सकता है। तो ये रेडीमेड आटा है, तो वो कैसे बनाने का है वो बताती हूँ। ये एक कटोरी बेसन का आटा, तो ये इसमें एक कटोरी बेसन का आटा, मतलब जो कटोरी आप बेसन का आटा मतलब चने के आटे के लिए यूज करो ना, वो कटोरी पानी के लिए भी यूज करना, ये आप ध्यान रखना इसमें ढोकले में। और इधर मैंने क्या किया है, पतीले में वो छलनी रख के गर्म करने को रख दिया कि जल्दी हो जाए। और इसमें ये 2 चम्मच सूजी है, जिसको बारीक रवा सेमोलिना बोलते हैं, तो ये। और ये इसमें हम दही यूज नहीं करने वाले, या 5 रुपये का क्या बोलते हैं वो इनो फ्रूट सॉल्ट आते हैं वो भी यूज नहीं करने वाले। ये नींबू के फूल है, आप देख सकते हो, इसको नींबू सत भी बोलते हैं, नींबू के फूल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो वो डालती हूँ। तो वो सब आपको माप से ही दिखाती हूँ, आप देख सकते हो इतना ही मैंने डालती हूँ इसमें। ये इसमें डाले अभी जितना मैंने इसमें ये डाले, साथ में उतना ही नमक डालती हूँ और शक्कर, शक्कर जगह से ज्यादा, और क्योंकि बेसन का आटा है तो थोड़ा खाने के लिए ये होता है, पचने के लिए। बस अभी उसमें सोडा ऐड नहीं करने का। अभी ये कटोरी से आपको पानी भी दिखाती हूँ, तो आपकी भी कुछ ऐसी गलती नहीं हुई। ढोकले में नहीं तो क्या, कभी फूलता है कभी नहीं फूलता, वो बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है। तो अभी पानी डाल डाल के थोड़ा इसका बेटर बनाती हूँ। और कौन कौन इसमें येलो कलर डालता है या फिर कौन इसमें हल्दी पाउडर डालता है, फिर मैं नहीं डालती। जैसा होटल में खमन ढोकला मिलता है इंशाल्लाह वैसा ही बनने का, आप ट्राई जरूर करना। और इसको अच्छे से मिलाना ताकि इसमें कुछ भी लम्स नहीं रहे। और हमेशा पहले मतलब ये इतना था ना, ये आटा इतना था, अभी उसमें मैंने पानी ऐड किया है, अभी इसमें मैंने सोडा और वो तेल यूज नहीं किया। मतलब आप इतना सब मिक्स करके ऐसा डब्बा भर के रखो ना, तो जल्दी ये हो सकता है। जस्ट पानी ऐड करने का और सोडा, और पानी डालती हूँ, पानी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पोवोच कटोरी यूज करना आप भी। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, आप देख रहे हो इसमें जरा भी लम्स नहीं रहे और अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इधर मैंने क्या करती हूँ, ये जो पानी उबालने के लिए रखा था ना, उसमें जिस प्लेट में भी या आपको जिसमें भी ये ढोकला बनाने का हो, तो उसमें ऑयल लगा के ग्रीस कर देना, तो मैं ऑयल लगा के ग्रीस किया है। और अभी क्या करती हूँ, ये छोटी पतीली है, इसमें 2 चम्मच जितना ऑयल डालती हूँ, गरम करने को रखती हूँ। अच्छे से जरा इसको लाइटली गरम करती हूँ, जस्ट जरा करती हूँ, बस इतना गरम करी आप देख सकते हो। और इसमें डायरेक्ट ढोकले के ऊपर डालती हूँ, इसके ऊपर ये खाने का सोडा, ये भी आधी छोटी चम्मच है। बस अभी ये डाल के एक कुछ इसमें घुमाना ऐसा, तो आप देखोगे, और डायरेक्ट इसको उबालने के लिए रख देना, पूरा ऊपर आने लगा है। अभी डायरेक्ट इसको अभी कम से कम 15 से 20 मिनट इसको उबालने के लिए रखती हूँ, और फिर तड़का कैसे लगाने का है और वो सब भी आपको बताती हूँ। तो मीडियम गैस पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के रख दिया। ढोकले को मैंने 15 से 20 मिनट रखा था,
और अच्छे से ये इसे उबल क्या वो फूल गया है। इधर मैं तड़के के लिए तेल भी गरम किया है। तड़के के लिए क्या चाहिए, हरी मिर्च, राई, हींग, करी पत्ते, शक्कर और जीरा। तो अभी इसको भी थोड़ा पहले कट करती हूँ। अब देख सकते हो एकदम जाली हुई है, ऊपर आपको जाली भी दिखती होगी और साइड भी अच्छे से छोड़ दिया है। तो ये अच्छे से ढोकला पक गया है। तो आप ये स्टाइल से करोगे ना, आप देख सकते हो सॉफ्ट हुआ है ढोकला भी। इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें राई, जीरा, करी पानी डालती हूँ, जो इसमें मीठापन आता है वो पानी की वजह से आता है। और ये शक्कर, शक्कर इसमें थोड़ी ज्यादा चाहिए, वो मीठा ढोकला रहता है। तो जरा नमक, इसको जरा अच्छे से पकाते हो। क्या आपसे बात कर रही थी तो तेल बहुत गर्म हो गया था, इसके लिए बंद कर दी। जरा शक्कर पिघलती है तब तक इसको पकाती हूँ और फिर ढोकले के ऊपर डालती हूँ। आप ढोकला भी देख सकते हो। अच्छी जाली हुई है। तो ऐसे स्टाइल से करोगे तो इंशाल्लाह आपका भी ढोकला अच्छा होगा। और इधर थोड़ा शक्कर का पानी ये होता है, फिर इसके ऊपर डालती हूँ। ये ढोकला थोड़ा मीठा रहता है तो इसमें पानी और जरा शक्कर डालना और अच्छे से पकाना। अच्छे से पानी पक गया है शक्कर का, अभी गैस बंद करती हूँ। तो डेकोरेशन के लिए मैंने क्या रखा है, ये खम्मन है, नायलॉन खम्मन है। तो इसके लिए खम्मन, अनार के दाने और कोथमीर है, जो होटल स्टाइल आपको लगेगा सब। तो अभी तो इसमें डालती हूँ, अच्छे से इसको पिलाने का है और 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से पीने देती हूँ। बाद में ऊपर से आपको ये सब डाल के दिखाती हूँ और सर्व भी करती हूँ। तो इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे रखती हूँ। और फिर आपको सर्व करके बताती हूँ। और ऐसा आप रखोगे ना बेसन का आटा, मतलब जो मैंने बताया था, तो फटाफट ये ढोकला बन सकता है। तो अभी 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से पानी को पीने देती हूँ शक्कर वाले को, और फिर सर्व करके बताती हूँ। मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। अभी इसके ऊपर से ये नहीं डालते, अगर मुझे अच्छा लगता है और जरा अच्छा लुक भी आता है और ऐसे अच्छे, किधर होटल में जाओ ना तो ऐसा सब डेकोरेशन करके देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ये सब डेकोरेशन के। फिर आप भी डालना। और ये नारियल है, तो याद से मुझे कमेंट में बताना कि आपको ढोकले का प्रीमिक्स आटा जो मैंने आपको बनाना ऐसा सिखाया, प्रीमिक्स आटा और नायलॉन खमन ढोकला, वो आपको कैसा लगा। गुजरात की फेमस डिश है, तो वो भी मुझे याद से बताना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और आपको कौन सी भी रेसिपी सीखने के वन आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप क्या करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हो या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे करते हो या फिर फेसबुक पे करते हो मैसेंजर में, तो उधर करो। पर मुझे चैनल पे भी करो तो दूसरे लोगों को भी पता चले कि कौन सी रेसिपी सीखने की है, किस बारे में आपको जानना है। कोई बालों के बारे में कमेंट करता है, डेंड्रफ के बारे में कमेंट करता है, तो वो पर्सनली करते हैं, चैनल पे नहीं करते। तो आप चैनल पे भी थोड़ा करो। और ये नायलॉन खमन ढोकला कैसा लगा वो भी मुझे याद से बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।